थाना बहादुरगढ़ से करीब 400 मीटर पहले तेज रफ्तार डग्गामार बस जो गढ़मुक्तेश्वर से बुलंदशहर जा रही थी, अचानक बस का टायर फटने से बैलेंस खो गया और बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें दो दर्जन से अधिक सवारी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लगभग आधा दर्जन से अधिक बच्चों व बड़ों की हालत बिगड़ती देख बहादुरगढ़ पुलिस ने आनंद फानन में सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से आधा दर्जन मरीजों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। ये बस आ रही थी सर गढ़ की तरफ से और यहां पे रॉयल पब्लिक स्कूल के पास में जो है संतुलित होते हुए और बस जो है पेड़ में जाकर टकरा गई। इसमें तो लगभग 40-42 लोग घायल हैं। एम्बुलेंस लगभग 1 घंटे के बाद आई है।